शहीद दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नेशनल पुलिस मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस के ये जवान कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से किवितु तक देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। आतंकवाद, घुसपैठ और धार्मिक तनाव के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका ने भी शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए बताया कि पिछले साल 216 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। वहीं आजादी के बाद से अब तक 36,467 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। हर साल 21 अक्टूबर को नेशनल पुलिस मेमोरियल पर शहीद दिवस मनाया जाता है। इसकी अध्यक्षता आमतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। इस दौरान दिल्ली पुलिस के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एक साथ परेड करते हैं। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में भारी हथियारों के साथ चीनी सैनिकों ने हमला किया था। इसमें 10 जाबाज पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और तभी से 21 अक्टूबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसे पुलिस स्मृति दिवस भी कहते हैं। अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अलग अलग बल के जवानों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं यहां पर रहकर वो अमर जवानों के बलिदान की भावना को पुष्पांजलि करने का, श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला है। यही जवान है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर किबुथु तक हमारी दूर सुदूर फैली हुई सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। यही जवान है जो दिन हो या रात, उत्साह हो, उत्सव हो या आपदा, तपती गर्मी हो, बारिश हो या शीतलहर, हम सभी की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। -50 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +50 डिग्री टेम्परेचर तक सीमाओं पर अडिग रहकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। आज मैं राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर इन वीर सपूतों को नमन करता हूं और उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है उनके परिजनों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करकर मैं इनकी श्रद्धांजलि को जनता के सामने रखने का काम करता हूं।